मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओपी गुप्ता हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन। आपको मालूम है कि हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, और केमिकल गुरु इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं आ सकता। हम कुछ एग्ज़ाम हैं जो कवर करते हैं। सबसे पहले हम बार्क का एग्ज़ाम कवर करते हैं। ठीक, बार्क में जितना भी टेक्निकल सेक्शन है अप्रॉक्स 90% से 95 से ज़्यादा हम गारंटी लेते हैं हमारे पढ़ाई से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। RCFL राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, RCFL फर्टिलाइजर कंपनी है यूरिया ब्रांड की, हम गारंटी लेते हैं कि 100% क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से ही आएंगे। तीसरा DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 95% टेक्निकल सेक्शन हमारी पढ़ाई से अंदर आता है। NPCIL केमिकल इंजीनियरिंग का 95% सेक्शन हमारे ही सिलेबस के अंदर से आता है, जो हम आपको कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, जो हमारा एक इसे बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हर सब्जेक्ट है उनमें हमारा जो है हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र ये सब्जेक्ट हैं, सारे 10 सब्जेक्ट हैं जितने भी FM CRE PRE, वो 10 सब्जेक्ट हमने क्या किया है कि हर सब्जेक्ट में पहले थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल उसी टॉपिक का, और उसी टॉपिक का PYQ, इस तरीके हर टॉपिक को आगे मैंने कवर किया है। इस सिलेबस इतना ज़्यादा कवर किया है कि हम 23 यूनिवर्सिटी इंडिया की IIT सिलेबस और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट BTech कॉलेज इन सब का सिलेबस मिला के बनाया है, साथ में रामप्रसाद ओपी गुप्ता सिलेबस मिला के बनाया है। यानी अगर हमारा वो फुल कंटेंट आप पढ़ लेते हो तो मेरी गारंटी है इसको पढ़ने के बाद आप 95% ओपी गुप्ता, बच्चे तो कहते हैं पूरा 95% ओपी गुप्ता और रामप्रसाद खुद से पूरा सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, समझ गए। तो हमारा एक कंटेंट है पूरे 10 सब्जेक्ट का जो बंच है उसको सुपर कैप्सूल हम कहते हैं, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें। उसके फीस जो पहले 18,000 हुआ करती थी अभी मात्र फीस उसकी 4,000 के आसपास है, तो पूरी 4,000 में आप तैयारी करवा देते हैं। हमारे पास अपनी वर्ल्ड क्लास टेस्ट सीरीज है, ठीक, और वो टेस्ट सीरीज जो है आप जो दे लोगे साथ में तब फिर आपको रामप्रसाद में कॉपी गुप्ता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुपर कैप्सूल पढ़िए, 10,000 तैयार करिए और टेस्ट सीरीज हमारी निकालिए। अगर हमारे टेस्ट में 55 मार्क्स आप लेके आते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि किसी भी कंपटीशन में आप 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये तो बात थी NPCIL एग्ज़ाम की। पांचवा जो एग्ज़ाम है, ठीक, इसमें हमारी जो आपका हम मेनली पढ़ाते हैं IOCL के लिए, IOCL में अप्रेंटिस के लिए हम पढ़ाते हैं, IOCL में जो पॉइंट वैकेंसी आती हैं इनके लिए हम पढ़ाते हैं, और तीसरा जो है हम पढ़ाते हैं IOCL में रहते हुए इंटरनल प्रमोशन के लिए, ठीक, तीन चीज़ों के लिए हम पढ़ाते हैं। अगर हमारा कोई कोर्स आप लेते हो तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोर्स जब आप लोगे तो एक कोर्स आपको सबसे पहले तैयार करेगा अप्रेंटिस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप BSc हो या फिर आप डिप्लोमा हो तो आप अप्रेंटिस करोगे सबसे पहले। IOCL अप्रेंटिस करना बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके बाद फिर सिलेक्शन की निश्चित गारंटी आती है IOCL में दोबारा से, जब एग्ज़ाम होता है पॉइंट एग्ज़ाम। आपने जो कोर्स लिया भाई पॉइंट एग्ज़ाम के लिए काम करेगा और यही कोर्स आप प्रमोशन के लिए काम करेगा। अगर आपको 1 ईयर अलग से और ज़्यादा पढ़ना है तो 1 ईयर एक्सटेंड करने का कोर्स मात्र हम 1500 फीस लेते हैं, तो 1 ईयर आपका एक्सटेंड हो जाता है, ठीक। नंबर दो, दूसरा कोर्स तो जो हो गया, एक हमारा फिर कोर्स है ओपी गुप्ता फुल सॉल्यूशन ओपी गुप्ता, तो उसके लिए 11 सब्जेक्ट का बंच है, उसको हम सुपर रेडॉन सीरीज कहते हैं, सुपर रेडॉन RDON हम उसको सुपर एडवांस सीरीज कहते हैं, और सुपर एडवांस सीरीज जो फीस 12-13 हज़ार है वो भी डिस्काउंट में अभी बुकिंग केस में 5,000 की मिल रही है,
और अदर केसेस में बहुत हुआ तो उसकी फीस 6,000-7,000 जाएगी। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा कंटेंट जरूर परचेस करें, हम हर एग्ज़ाम को कवर करते हैं। इसके बाद फिर हमारा एग्ज़ाम होता है हैवी वाटर बोर्ड। IOSL हमारा मेन एग्ज़ाम है, इसी के लिए कोचिंग स्टार्ट किया, बट मेरी गारंटी किसी भी एग्ज़ाम से हमारे पढ़ाई से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक, टेक्निकल सेक्शन और नॉन टेक के लिए हमारे पास टीचर हैं, आप उनसे पढ़िए, बहुत ही शानदार टीचर हैं। कुल नॉन टेक की तैयारी 400-500 में पूरी तैयारी करवा देते हैं नॉन टेक के, आपकी एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, सारे सब्जेक्ट। तो हैवी वाटर बोर्ड, हैवी वाटर बोर्ड जो आपका वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए भी हम आपको पढ़ाते हैं। और निश्चित ही अगर आपने हमारा केमिकल गुरु में एडमिशन लेने का मतलब है सिलेक्शन की 100% गारंटी, समझ के बाद। पर शर्त यह है कि हमारा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बोलो कि हमारा कंटेंट जादू छड़ी है, तो ऐसा नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक कंटेंट जो मैंने 4,000 में आपको देते हैं, वो कंटेंट मैंने 4.5 साल रात दिन लगातार मेहनत से आपको बनाया है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। कम से कम 3 महीने के में तैयारी हम आपको पूरी करवा देते हैं। आप तुरंत हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हमारा कोर्स ज्वाइन करें। अभी देखो हम एक बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और बिना सपोर्ट के मेहनत हमारी बिल्कुल बेकार है। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। ऐसी डिफरेंट वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब, तो उनके लिए पढ़ाते हैं। स्पेशली हम मतलब बात करें तो एक वैकेंसी HURL, ठीक, गर्ल्स के लिए अच्छा मौका है। तो ये वैकेंसी हमारे, अगर आप हमसे पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, तो 100% सिलेक्शन आपका होगा। नंबर 2, एक स्टील का प्लांट है ना, टिस्को, टाटा वाला, ठीक, इसमें सिलेक्शन हमारे यहाँ से होता है, ठीक। इसके अलावा सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, यहाँ सिलेक्शन हमारे यहाँ होता है। नंबर 2, NFL के लिए हम पढ़ाते हैं आपको, NFL के लिए हम पढ़ाते हैं आपको। नंबर 2, हम एक्सपर्ट हैं IFCO में सिलेक्शन करवाने के लिए। इसमें अगर हमसे पढ़ते हो, सिलेक्शन सबसे पहले आपका अप्रेंटिस हो, फॉरन वैकेंसी हो, इन सब में सिलेक्शन आपका होगा, डिप्लोमा BTEC लेवल से, ठीक। और आपको हम बता दें कि अब आप हमारी क्लासेस को गेट एग्ज़ाम के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक, क्योंकि हमने गेट एग्ज़ाम के सारे एस्पेक्ट को कवर किया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कवर किया है। हमारा जो OP गुप्ता का सलूशन है, उसमें लास्ट में जो क्वेश्चन है गेट एग्ज़ाम के, वो मैंने फुल 30 ईयर के सलूशन करवाए हैं, तो बहुत ही सुपर कंटेंट है, जरूर ज्वाइन करें इसको, ठीक। तो सपोर्ट करते रहिए। चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अनलेग्ड स्टीम पाइप टू द एम्बिएंट एयर इज वाई। देखिए, समझिए इसको, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इंडस्ट्री में, आप जाते होगे तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि कोई ऐसा पाइप है जिस पे हमने लैगिंग नहीं की है। लैगिंग नहीं की है, इसका मतलब क्या है, उस पे हमने इंसुलेशन नहीं किया है। अगर हम उस पे इंसुलेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर उसमें स्टीम फिल हो रही है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इस सरफेस का टेम्परेचर, इसे TW बल्ब टेम्परेचर बोलें, और बाहर का टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर TA है, तो TW क्या है, ज़्यादा है एम्बिएंट टेम्परेचर से। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो बाहर की एयर है इसमें हीट का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, हीट के ट्रांसफर इसमें शुरू हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कि अगर इस तरीके से हीट का ट्रांसफर हो, स्टीम पाइप से हीट जो है अगर एयर में ट्रांसफर हो, हीट, ठीक, हीट एनर्जी, तब वो किस मीडियम के थ्रू होगी या फिर किस मोड के थ्रू होगी। मोड आपको मालूम, हीट ट्रांसफर के 3 मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक। तो देखो, जो पार्टिकल इस अपना जो पाइप है इसकी सरफेस से चिपके हुए होंगे
या फिर इसके जो पाइप के पास में जो एयर की फिल्म बन रही होगी, फिल्म के इस जोन में हम मान लेते हैं कि स्टैटिक मीडियम है, स्टैटिक मीडियम है ठीक, बहुत पतली लेयर होती है, फिल्म होती है, और उसमें मान लेते हैं कि मीडियम कैसा स्टैटिक है, तो उस मीडियम में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कैसा होता है, कंडक्शन के थ्रू होता है। दूसरी बात, स्टीम तो अंदर फ्लो हो रही है, ये मोटाई है, थिकनेस है पाइप की, तो सॉलिड थिकनेस है, तो सॉलिड में ट्रांसफ़र जो होगा हीट का इस अंदर की वाल से बाहर की वाल तक, ये भी किसके थ्रू होगा, कंडक्शन के थ्रू होगा। तो एक तो हमारा बाल में हीट का ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन थ्रू, नंबर दो जो फिल्म बन रही है स्टैटिक फिल्म है, तो इस फिल्म में भी भैया क्या देख रहे हो, ये कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। दूसरा आता है कन्वेक्शन। देखो कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल फ्लो हो रहा है, वो इसके पास आया, जो बॉल है उसके पास आया, बॉल के पास आएगा तो जब बॉल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉल अपनी जो एनर्जी है वो इसको मॉलिक्यूल देगी, और उसके बाद मॉलिक्यूल इस तरीके से वापस निकल जाएगा, समझ गए। तो अब क्या है, मॉलिक्यूल आ रहा है किसी स्पेशल सोर्स से हीट को ले रहा है और फिर निकल जा रहा है, ये जो है कन्वेक्शन का तरीका है, समझ गए। तो यहाँ कन्वेक्शन के थ्रू होगा। और आपने तीसरा बात ये पढ़ी है कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब कुछ भी है 0 केल्विन बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो अगर किसी का भी टेम्परेचर ज़्यादा है एटमोसफेयर से, रेफरेंस ज़्यादा है, तो निश्चित मानिए कि वो बॉडी अपनी एनर्जी को एमिट कर रही होगी, ठीक, एज ए रेडिएशन एनर्जी, ठीक। तो वहाँ पर रेडिएशन हमारे पिक्चर में आता है। तो ये तीनों मोड सामने आते हैं अगर लैगिंग नहीं होती है तो, इस तरीके से समझ गए बात, मतलब इस कंडीशन में तीनों फिनोमेना, तीनों मोड जो हैं कारगर होते हैं, वो काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोरियस लॉ अप्लाइज टू द हीट ट्रांसफर बाई। आपको मालूम है कि जब हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन मोड होता है, कंडक्शन का मतलब है जब सॉलिड में होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा हीट ट्रांसफर थ्रू फोरियर लॉ हम डिफाइन करते हैं। फॉर कंडक्शन हीट ट्रांसफर इन सॉलिड, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड ये दो तरीके से होता है, पहला तरीका है स्टडी स्टेट और दूसरा तरीका है अनस्टडी स्टेट, है ना। तो दो लॉ हैं क्या बोलते हैं फोरियर के, वो दोनों कंडक्शन के लगते हैं, उनका पहला तरीका स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन ठीक, दूसरा अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। तो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ फोरियर बोलते हैं और इसको सेकंड लॉ ऑफ फोरियर बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है देख लीजिए, सबसे पहले हम अगर बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ फोरियर की, तो फर्स्ट लॉ स्टेडी स्टेट के लिए है हीट ट्रांसफर रेट माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक। यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ए हीट ट्रांसफर के परपेंडिकुलर जो एरिया है ठीक वो ए है, के उस मटेरियल की क्या है थर्मल कनेक्टिविटी है, ठीक। ये हमारा स्टेडी स्टेट के लिए यूज होता है। सेकंड जो है अनस्टेडी स्टेट के लिए यूज होता है, ठीक, अनस्टेडी स्टेट के लिए यूज होता है। और अनस्टेडी स्टेट के लिए जो फॉर्मूला है वहाँ पर हीट ऑफ जनरेशन का रोल निकल के सामने आता है, और वो है 1/α, अल्फा इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड डी टी अपॉन डी टी, ठीक, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर का रेट है डेल्टा टी अपॉन डी टी, जो स्मॉल टी है वो टाइम है, कैपिटल टी है वो टेम्परेचर है, यानी किस रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो है। फिर है डेल स्क्वायर टी, ये डेल नहीं है, ये उल्टा डेल है, ठीक, ये साई है, साई
तो साई बी इस तरीके रिपेंड करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि अल्फा जो है वो थर्मल डिफ्यूजिविटी है, थर्मल थर्मल डिफ्यूजिविटी है अल्फा, और ए जो है वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ हीट जनरेशन है, के है वो थर्मल कनेक्टिविटी है, और जो इसका मतलब समझ लीजिए, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है डबल डेरिवेटिव है टेम्परेचर का डायरेक्शन एक्स के साथ, फिर ऐसे ही वाई के साथ, और ऐसे ही जेड के साथ, ठीक। ये मतलब है। ये जो उल्टा डेल होता है इसका स्क्वायर कर दें तो उसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो लाप्लासियन ऑपरेटर टेम्परेचर का, या फिर ऐसे बोलते हैं लाप्लासियन ऑफ टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं? लाप्लासियन ऑफ टेम्परेचर, लाप्लासियन ऑफ टेम्परेचर, ठीक। तो ओवरऑल ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो कहाँ यूज होती हैं? दोनों इक्वेशन आपकी कंडक्शन के लिए जो होती हैं। सी ऑप्शन राइट है। अब इसमें आपने 5-6 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि सर फोरियर लॉ दो होते हैं, आपको जहाज मालूम पड़ गया, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, फिर आपको जो मालूम पड़ेगा कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो स्टेडी स्टेट के लिए होता है, अनस्टेडी स्टेट के लिए होता है, क्या होता है ये भी आपको मालूम पड़ गया, समझ गए। फर्स्ट लॉ तो आपने सुना होगा, सेकंड भी आप समझ लिया। तो हमारे ऐसे है एक एक क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बराबर होता है, अगर हम 200 क्वेश्चन करवा दें तो मान चलो कि वो आपका पूरा सिलेबस हो गया। कंटेंट जो करवाएंगे वो इसलिए करवाएंगे जिससे कि आपका पूरा काम बन जाए, यानी कि बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, है ना, ऐसा नहीं। टाइम लगेगा पर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त देने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है कि फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन अप्लाइज टू सरफेस, ठीक। किस प्रकार की सरफेस पर अप्लाई होता है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन? पहला ऑप्शन आइसोथर्मल, नॉन आइसोथर्मल, दो सरफेस हैं इसमें। यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर चेक किया, हर जगह चेक करने पर एक सेम टेम्परेचर निकल के आता है टी, तो इस सरफेस को बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेस, ठीक। हीट के ट्रांसफर इस सरफेस के थ्रू होता है, इस सरफेस के वर्टिकल ही हो रहा है, यहीं पर सरफेस होगी, इसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा बट ये भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, टी डैश होगी, तब इसके वर्टिकली हीट का ट्रांसफर हो रहा है, समझ गए बात को, इस तरीके से हो रहा है। कहीं बीच में क्रॉस सेक्शन करोगे फिर निकलेगा, वो भी हर जगह पर क्या होगा, मतलब टी डबल डैश है पर हर जगह सेम होगा टेम्परेचर, यानी सारी सरफेस क्या होंगी, आइसोथर्मल होंगी, सेम टेम्परेचर पर होंगी। आइसोथर्मल सरफेस पर ही हमारा जो फोरियर्स लॉ है वो अप्लाई होता है, बट यहाँ पर हमने देखा एक यहाँ पर टेम्परेचर था 20, वहीं अगली सर उसी सर पर दूसरा पॉइंट लिया 21, यहाँ पर देखा 30, यहाँ पर देखा 20.5, तो एक एक ही सरफेस पर देखोगे, मतलब जस्ट लाइक है कॉपी का पेज है, इस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट देखोगे तो टेम्परेचर आपको अलग मिलेगा। अगर ऐसी कोई सरफेस है जिसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टेम्परेचर हमें अलग अलग मिलता है तो उसको नॉन आइसोथर्मल बोलते हैं, और नॉन आइसोथर्मल के लिए फोरियर्स लॉ डिफाइंड नहीं है। फोरियर्स लॉ हमेशा उसी
सरफेस के परपेंडिकुलर हीट का ट्रांसफर फ्लो को बताता है, डिफाइन करता है, जो कि आइसोथर्मल होती है, मतलब सेम टेम्परेचर पर मेंटेन होती है। समझ गए, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फोरियर है वो हमें ये भी डिफाइन करता है कि कोई भी सरफेस जो होती है वो हीट का एकोमुलेशन नहीं करती है ना हीट का जनरेशन करती है, बस वो हीट को लेती है और अगली सरफेस को ट्रांसफ़र कर देती है, अगली उसकी पहले सरफेस को ट्रांसफ़र कर देती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से हीट का एकोमुलेशन नहीं होता है, यानी समय बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर की सरफेस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जो है वही रहेगा, बस हीट को लेगा और अगली सरफेस को ट्रांसफ़र कर देगा। फोरियर सुलह के लिए कुछ अजम्पशन हैं जो आपको जानने चाहिए, आइए उनको हम लिखवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए लिख दो, लिखो अजम्पशन ऑफ FORIER, फोरियर नेम ऑफ साइंटिस्ट, पहला अजम्पशन कि जिस मटेरियल में हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, मटेरियल होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस होना चाहिए, वो मटेरियल आइसोट्रॉपिक हो। कैसा हो? आइसोट्रॉपिक हो। सर आइसोट्रॉपिक क्या होता है? कोई हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस में नहीं, हमारे पास मतलब कोई एक बॉडी है, 3D बॉडी है, इस बॉडी में अगर हम एक्स डायरेक्शन में बढ़ें तो वैल्यू मुझे के एक्स मिले, वाई में बढ़ें तो के एक्स का वैल्यू ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी इन एक्स डायरेक्शन, के वाई वैल्यू ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी इन वाई डायरेक्शन, जेड थर्मल कनेक्टिविटी इन जेड डायरेक्शन। अगर ये तीनों थर्मल कनेक्टिविटी बराबर हो, सेम हो, तो ऐसे मटेरियल को आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। ठीक, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए जो KX होता है, KY होता है और KZ होता है, ये तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पहली कंडीशन है कि मटेरियल होमोजेनियस अगर है और आइसोट्रॉपिक है तो हम वहाँ पर फोरियर सुलह अप्लाई कर सकते हैं, अगर मटेरियल ऐसा नहीं है तो फोरियर सुलह वहाँ काम नहीं करेगा। ठीक, आप बोलोगे सर तो वहाँ पर सेकंड लॉ लगा सकते हैं? नहीं, सेकंड लॉ भी नहीं लगा सकते हो, समझ के बात, क्योंकि सेकंड लॉ में कहीं पर के वेरिएशन को नहीं दिखाया गया है, के वेरिएशन के बारे में नहीं बात किया है, वहाँ पर के सिंगल है और सेम है, वही होनी चाहिए। हम जो क्वेश्चन आएगा उसका तो हम बहुत डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ के बारे में। देखो आइसोथर्मल बॉडी जो आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सरफेस जो है जिसके परपेंडिकुलर हीट का ट्रांसफर होना है वो कैसा होना चाहिए? आइसोथर्मल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरा कंडीशन लिखो, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर होना चाहिए। तो हम फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। चौथा, हमारा जो हीट का ट्रांसफर है वो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। हीट ट्रांसफर में सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए। कोई जो सिलेट है, हीट ट्रांसफर हमेशा यहाँ से यहीं होगा, डायरेक्शन बता रहा हूँ, तो इस सरफेस एंट्री होगी, यहाँ से निकल जाएगा हीट, समझ गए ना बात। अब इस सरफेस टेम्परेचर हमारा T1 है, इस सरफेस टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पर कंडीशन है कि T1 टेम्परेचर ज़्यादा होगा T2 से, तभी हीट के ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यूनिडायरेक्शनल हीट का फ्लो यहाँ पर होता है। पांचवी कंडीशन लिखो, जहाँ पर हीट का फ्लो दिखाना है आपको उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास कोई मोटी चादर है
10 मीटर मोटी है, तो अगर 5 मीटर में टेम्परेचर 10 से यहाँ पर 5 हुआ है, मतलब 5 का अंतर आया है, तो अगले वाले में भी 5 का अंतर होना चाहिए, यानी 5 से टेम्परेचर यहाँ तक 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो पूरा हर जगह पर सेम होना चाहिए, जिससे टेम्परेचर ग्रेडियंट जब सेम होता है तो मुझे एक लाइन मिलती है सीधी। अगर किसी मटेरियल में अगर हमने टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ किया है और मुझे भी सीधी लाइन मिल रही है, इसका मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द मटेरियल लेंथ। ठीक, यहाँ पर लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल मुझे रिसीव होता है। ठीक, मतलब कब, जब टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है तभी हमारा फॉर्मूला लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता है, ध्यान रखिए बात। छठी कंडीशन लिखिए, किसी भी प्रकार का सरफेस के बीच में हीट एकुमुलेशन और हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए। देखो, नो इंटरनल हीट जनरेशन, कब, फर्स्ट लॉ के लिए, सेकंड लॉ के लिए नहीं, और हो रहा है तो बाहर सेकंड लॉ यूज करेंगे। ठीक, तो ये थे कोई एजम्पशन जो मुझे लगता है कि अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन बनेंगे, और ये 6 जो मैं लिखवाए हैं इनमें कम से कम 4 पे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन अकर, अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन कब होता है। पहला ऑप्शन है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टेम्परेचर टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपको मालूम है कि अगर टेम्परेचर टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कोई पैरामीटर टाइम से डिपेंड नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब पूछ क्या है, अनस्टेडी स्टेट कंडीशन उल्टा बोल रहा है, तो इसलिए ए गलत है। बी, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, ए सही है, ये तो हम बात कर रहे थे। सी, हीट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, तो जो अनस्टेडी स्टेट होता है तो हीट का फ्लो किसी डायरेक्शन में होता है, वन में, टू में, या फिर वन टू थ्री, किसी में हो सकता है। थ्री डायमेंशनल हीट फ्लो अनसर्न, थ्री डायमेंशनल ज़्यादातर क्या होता है, वन डायमेंशनल ही होता है। ठीक, वो ठीक, अनस्टेडी स्टेट में हीट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थ्री डायमेंशनल हीट फ्लो इज कंसर्न, यहाँ पर थ्री डायमेंशनल हीट का फ्लो वन टू थ्री किसी में हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन में ही हो, समझ के बात। अनस्टेडी मतलब है कि पैरामीटर जो होते हैं वो समय आधार पर चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, हमारे पास ये पूरी स्लेब है, हमने इसको क्रॉस सेक्शन ले लिया। ठीक, अभी अगर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है तो ये T1 है, T2 है और T3 है। अगर स्टेडी स्टेट है, इसका टेम्परेचर 20 है, इसका 15 है और इसका 12 है, तो आप देखोगे समय बढ़ता रहेगा मगर इसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा, तो ऐसी कंडीशन बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, यानी टेम्परेचर टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। बट अभी मान लो ये अनस्टेडी स्टेट केस है, तो यहाँ टेम्परेचर 15 है, 20 है, फिर 15 है, फिर 12 है, तब देखोगे जी कहीं हमारा 21 हो जा रहा है। 21 कब होगा, जब हमारा यहाँ पर हीट एकुमुलेट होगा, हीट जनरेट होगा, जब इस सरफेस में हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, इसी वजह से जो टेम्परेचर कर्व ऐसे यहाँ पर बढ़ जाएगा, बात समझे। देखो, कभी भी अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो टेम्परेचर प्रोफाइल नीचे जा रहा होगा, ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाए, मगर हीट की जनरेशन जब हो रहा होगा तो ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाएगा, अगर कहीं ऊपर जा रहा है तो हीट यहाँ पर जनरेट हो रही है, समझ गए बात को, तो ये अनस्टेडी स्टेट की निशानी है। चलिए, तो इसका बी ऑप्शन लगाइए। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, क्यू माइनस के ए डी टी अपॉन डी, आपको इसकी यूनिट चाहिए। ये क्या है, एरिया यहाँ पर है, मतलब हीट ट्रांसफर रेट है, तो इसको हम बोलेंगे वाट,
मीटर स्क्वायर नीचे आ जाए और जो हो जाएगा मीटर जो है केल्विन, तो मीटर से मीटर कैंसिल, यानी वाट अपॉन मीटर इनटू केल्विन। ठीक, क्लियर है बात। एक तो जनरेटर हो गई, तो वाट मैंने आप किलो कैलोरी में चाहिए, ओके किलो कैलोरी। तो भैया क्यू की यूनिट हम ले लेंगे किलो कैलोरी पर यूनिट टाइम। ठीक, तो इसमें टाइम में किसकी यूनिट दे रखा है, आवर, आवर। ठीक, फिर हम एरिया लेके आएंगे, एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर एक ऊपर जाएगा ठीक और केल्विन नीचे आएगा, तो ये हो गया किलो कैलोरी मीटर आवर केल्विन। ठीक, किलो कैलोरी पर आवर मीटर एडिशन डिग्रेड, तो बी ऑप्शन इसका राइट है, बी ऑप्शन है। ठीक, आप देखो डी में नीचे मीटर नहीं है इसलिए गलत है, नीचे यहाँ पर एडिशन डिग्रेड नहीं है इसलिए गलत है, ए में सब है बट मीटर स्क्वायर है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स था यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशेंट। हीट ट्रांसफर कोफिशेंट के लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो लिखना पड़ेगा, ए डेल्टा टी क्यू। ठीक, ए जो है हीट ट्रांसफर कोफिशेंट है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशेंट है, तो इसकी यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू क्यू अपॉन ए और डेल्टा टी क्यू। क्यू क्या चीज़ है, क्यू हीट ट्रांसफर रेट, बी टी ओ दिख रहा है तो बी टी ओ पर आवर कर दो, बी टी ओ पर आवर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री फारेनहाइट जो भी आपको पसंद है। ठीक, तो बी टी ओ पर आवर बस मीटर जगह मीटर स्क्वायर कर दो, बी टी ओ मीटर है या फिर फिट है तो फिट कर दो, क्योंकि ये एफपीएस सिस्टम का है तो डिस्टेंस मीटर में लोगे, तो बी टी ओ अपॉन आवर इंटू फिट स्क्वायर इंटू डिग्री फारेनहाइट, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, आप देखोगे तो यहाँ पर सिंगल एफ टी है फिट है इसलिए गलत है, यहाँ पर नीचे टेम्परेचर नहीं दिया है डिग्री फारेनहाइट नहीं इसलिए गलत है, और यहाँ पर जो है फिट स्क्वायर नहीं दिया इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर हम सेवन देखेंगे, सेवन में कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेट ड्राइविंग फोर्स रेजिस्टेंस में दिया हुआ है। देखिए जो हीट ट्रांसफ़र रेट होता है ऐसे ही मास ट्रांसफर रेट कुछ भी हो, रेट जो होता है वो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस होता है। अगर हीट है तो थर्मल रेजिस्टेंस वरना मास रेजिस्टेंस मास ट्रांसफर में, ठीक ये होता है। तो आपको निकालना है ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू हीट ट्रांसफ़र रेट इनटू थर्मल रेजिस्टेंस, ये रिलेशन निकल के आया। तो ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू रेट इनटू रेजिस्टेंस, वी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक, और बचे हुए में उल्टा सीधे लिखा हुआ है, कुछ है नहीं सर। क्वेश्चन नंबर एट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है कि द एन इंसुलेटर शुड हैव, जो इंसुलेटर होते हैं मतलब ऐसे सबस्टांस होते हैं जिनसे हीट और हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो पास नहीं होती है उनको इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर पास नहीं होती, इंसुलेटर के ज़्यादातर इंसुलेटर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र के लिए जो डिग्री यूज करते हैं पैरामीटर वो के होता है, थर्मोकंडक्टिविटी। अगर हीट ट्रांसफर नहीं होती है, हीट ट्रांसफर इनसे नहीं हो रहा है, मतलब के की वैल्यू उसके लिए जीरो है, थर्मोकंडक्टिविटी इनकी क्या होती है, जीरो होती है। तो लो थर्मोकंडक्टिविटी, हाई थर्मोकंडक्टिविटी, लेस रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो, अ पुअर स्ट्रक्चर, तो इसमें जो हमारा मैचिंग कर रहा आंसर लो थर्मोकंडक्टिविटी, ठीक अप्रोक्स जीरो या फिर जीरो के आसपास, तो आठ का ए। क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे, कह रहा है कि हीट फ्लक्स थ्रू ए सेवरल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज एनालॉग टू करंट फ्लोइंग थ्रू सेवरल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, नन ऑफ दीज।
कह रहा हीट फ्लक्स थ्रू है सेवर रेजिस्टेंस इन सीरीज। आप देखिए हमारे पास कोई हमारे पास क्या है कि एक लेयर है किसी की, और एक फिर हमने क्या देखा कि भाई हम मटेरियल चेंज कर दिया, एक दूसरी लेयर आ गई यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही हमने देखा कि तीसरी लेयर आ गई यहाँ पर, तीसरी लेयर आ गई। तो ये क्या है, तीन हमारे मटेरियल हैं और इनसे मुझे अगर हीट को पास करना है तो पहला मटेरियल, दूसरा और तीसरा, ठीक, सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल सेम वैसे बिहेव करते हैं जैसे कि अगर हमारे पास कोई तीन अलग अलग सोर्स हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स हैं, और जो कि आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। इसका रेजिस्टेंस R है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसका R2 है, इसका R3 है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस में निकालो इसका, जो यहाँ पर निकलेगा वही ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पर ऊपर निकलने वाला है। तो रेजिस्टेंस जो यहाँ सीरीज में है वही यहाँ रेजिस्टेंस सीरीज में लगने वाला है। अगर यहाँ पैरेलल में है तो वैसे ऊपर भी पैरेलल में लगने वाला है। हमने पिछले क्वेश्चन में बात की इंसुलेटर के बारे में, तो कुछ कॉर्क है, ग्लास वूल है, 85% मैग्नीशिया है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो इंसुलेटर तौर यूज करते हैं, और इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और उनका थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से, ठीक, हीट का जो एनालॉग रिलेशन है वो निकल के आएगा। अगर हम देखें कि सीरीज में कैसे क्या रिलेशन और रेजिस्टेंस कैसे निकल के आता है, तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस होता है कैपिटल R इक्व टू R1 R2 R3। अगर इसके प्रूव को लेके बात करें तो सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है, यहाँ पे करंट जो आएगा यहाँ करंट आएगा यहाँ सेम आएगा, बट वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो टोटल वोल्टेज जो होगी, पहले वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें जो कंज्यूम होगी, और फिर दूसरे में वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से होगा, तीसरे में वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से होगा। बी इक्वल टू आई आर रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो पहले वाला ओवरऑल देखें तो उसके लिए करंट तो वही रहेगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस आर हो गया। बी वन के लिए देखें करंट वही रहेगा, मैंने करंट सेम रहता है, रेजिस्टेंस R1। ऐसे ही आई R2 और आई R3, सब में आई कॉमन ले लें, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम में सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं तो सेम हमारा अगर सीरीज में कोई मटेरियल लगे हुए हैं उनका भी रेजिस्टेंस सीरीज में ऐसे जुड़ जाता है, ठीक। ध्यान रखिएगा सीरीज में इलेक्ट्रिक सर्किट में आई जो होता है वो सेम रहता है और जो वोल्टेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक। ऐसे पैरेलल में हमारा आई जो है वो हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा बट वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल केस में, तो वहाँ पर भी इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख कह रहा है कि द ओवरऑल रेजिस्टेंस फॉर हीट ट्रांसफर थ्रू अ सीरीज ऑफ फ्लैट रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस एवरेज ज्योमेट्रिक प्रोडक्ट और सम। तो आपको आप बोला है कि अगर कोई मटेरियल सीरीज में लगे हुए हैं तो उनमें क्या है कि भाई किस तरीके से जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो सभी रेजिस्टेंस का सम होता है। अभी मैंने आपको ड्राइव कराया R1, R2, R3 यही वाला है, तो दसवें का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी, ठीक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। इसमें हम मुझे लगता है कि काफ़ी डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे, और इसमें और कोई ऐसी चीज़ है नहीं बहुत सोचने विचारने करने वाली, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपके लिए ऐसे 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अच्छे से आपको हम समझाएं।
ठीक, हम प्रैक्टिकल तरीके से आपको पढ़ाते हैं। तो हमारे क्लास जरूर ज्वाइन करिए एप्लीकेशन पे। सबसे पहले डाउनलोड करिए एप्लीकेशन, केमिकल गुरु इंडिया का मैप बना होगा प्ले स्टोर से। अगर आईफोन यूजर हैं तो आप हमारे एक नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9897997847 7874। इसमें आईफोन वालों के लिए हम लिंक अलग दे देंगे एप्लीकेशन का, तो वहाँ से उनका चालू हो जाएगा। तो फिर हम अब आ जाके आप प्रोफाइल पूरा भर लीजिए, नाम डालिए, पिता का नाम, कहाँ से आपने डिप्लोमा किया है, कहाँ रहते हो, सब भरिए पूरा, क्या ई एम आई आपका, फ़ोटो लगाइए उसमें अपना एक, रेडी कर लीजिए, फिर आप कोर्स को परचेज करिए। हमारे यहाँ कंटेंट की जो फ़ीस पहले एक सब्जेक्ट की 1500 हुआ करती थी, अब वो मैं 400 500 600 है। ठीक, तो मिलते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।